अवेलेबल अवेलेबल, हाँ जी वो डेट अवेलेबल है, आप प्लीज़ बुक कर लीजिए। यस ओके थैंक यू। वर्क, काम, कामयाबी, सक्सेस, जिंदगी में कौन नहीं चाहता कि वो कामयाब हो, हर कोई चाहता, लेकिन कामयाबी तक पहुंचने का रास्ता जो है हर किसी का अलग अलग है। किसी किसी के लिए करियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो किसी के लिए अपने रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो कई लोग ऐसे भी हैं जो बिना किसी एम के अपनी जिंदगी जिए जा रहे हैं, राम भरोसे बस चलते जा रहे हैं। और ये जो ऐसी कैटेगरी के लोग हैं अक्सर हमें कॉलेज में मिल जाते हैं बहुत ही आसानी से। नाउ इमेजिन अगर ऐसी एमलेस जिंदगी वाला कोई इंसान अगर किसी बहुत ही ड्रिवन इंसान से मिले तो क्या होगा? वेल फायरवर्क्स तो गारंटी है बॉस, ऑन दे। वेल ऐसा ही कुछ हुआ कुश और आरजू के साथ। वेलकम टू ये आशिकी सीजन 2 सियापा इश्क, मैं हूं ऋत्विक धनजानी जो आपके लिए लेकर आता है हर हफ्ते कुछ अनयूजुअल लव स्टोरीज, जो आज भी है मेरे पास खुश और आरजू की कहानी। नाउ खुश और आरजू की जिंदगी में वैसे भी कॉम्प्लिकेशंस कम नहीं थी, जो उन्होंने खुद और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा दी। वेल लेकिन जो दिल होता है ना, अब इस कमबख्त दिल को कौन समझता है, क्योंकि इस दिल को जिस किसी पे जब कभी भी आना होता है वो आ जाता है ना, उसे आप नहीं रोक सकते। लेकिन स्यापा जो होता है ना उसका कोई भरोसा नहीं। अब ये स्यापा क्या आरजू और खुश को रोक पाएगा अपने प्यार में आगे बढ़ने से? वेल लेट्स हैव अ लुक। सर वी ऑल अंडरस्टैंड, स्टूडेंट्स यंग हैं, कॉलेज में मस्ती मजाक चलता रहता है, बट दे थिंक दैट दे कैन गेट अवे विद एनीथिंग। प्रोफेसर राठी हैज अ पॉइंट, मजाक मस्ती में भी लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए। और आज तुमने वो लिमिट क्रॉस कर दी है कुछ। इट वाज वेरी इरिस्पांसिबल ऑफ यू, तुमने सिर्फ मजाक में 5 ग्राम अर्न कर दिया, इट कुड हैव बीन वेरी डेंजरस। सर मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तुम्हें खुद देखा है कुछ कॉरिडोर से भागते हुए। तुम सर नहीं बोलोगे, थैंकफुली आरजू बोल दिया, आरजू सच बताएगा। आरजू कॉलेज में तुम्हें सब ट्रस्ट करते हैं, तुम बताओ तुमने कुछ को फायर अलार्म बजाते हुए देखा था ना? क्या तुम ऐसे कॉलेज में पढ़ना चाहोगी जहां पर ऐसे इरिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट्स का नेगेटिव इफेक्ट बाकी स्टूडेंट्स पर पड़ता हो? आरजू से समथिंग, तुमने कुछ को फायर अलार्म बजाने के बाद कॉरिडोर में भागते हुए देखा था ना? सर नहीं, वो ये लड़का नहीं था। आरजू ये तुम क्या कह रही हो, तुम थी वहां पर, मैंने खुद देखा था। देखो देखो आरजू, तुम्हें अगर किसी ने धमका है तो तुम मुझे बताओ। ध्यान से देखो आरजू, तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। बोलो। सर उसने हुड पहना हुआ था और फिर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग गया, मैं नहीं देख पाई सर। आरजू इसी हाइट का था ना, देखो आरजू वो तुमसे टकराया भी था है ना? I'm sorry सर, मुझे याद नहीं है। सर मैंने तो पहले ही कहा था मैंने कुछ नहीं किया। बोलने तो दो, अंदर हुआ क्या, तू बच कैसे गया? चिल गाइस चिल, होना क्या था?
हमेशा होता है मुझ जैसे स्टार्ट के साथ। क्या? कोई सबूत ही नहीं था। कुछ यहां तो तुम बच गए, बट यू नो वॉट, आई डोंट हैव टू वरी, क्योंकि जिस राह पर तुम जा रहे हो ना, और जितना स्टडीज पर तुम्हारा ध्यान है, तुम्हें फेल होने से कोई नहीं बचा पाएगा। फिर तुम हमसे दूर नहीं भागोगे कुछ, तुम्हारे डैडी भाग रहे होंगे, बेचारे किसी और कॉलेज वालों को बुली करेंगे। टू लेट यू इन, अभी ये भाग रहा है, बाद में डैडी भागेंगे। Anyways guys, I'm really feeling bored here. Let's go out somewhere. Chalo chalo, let's go. Hello everybody, all good? Hello, hello, beautiful. अबे वे घूर क्या रहा है? बैठा रह गया, you owe me a drink. पन्ना, मेरे वाला drink. Hello guys. Time for the selfie with the hottie. Hottie? मैं या तुम? So flirty. यार गलती से मिस्टेक हो गया, एक्सट्रीमली सॉरी यार। हे आर यू ओके? यस आई एम ओके। ओह माय गॉड, देखो तो भाई साहब को हेल्प करने के लिए बहन जी दौड़ती हुई चली आई, हाउ स्वीट। एक्चुअली मैंने नहीं, मतलब मैंने सोचा कि वो उस दिन तुमसे बात नहीं हुई थी ना, तो यू नो मैं श्योर, थैंक्स। कैन आई गेट यू समथिंग? चाय? नो नथिंग एक्चुअली, थैंक्स। वो उस दिन ना तुमने मेरी शिकायत नहीं की ना, थैंक यू सो मच। इट्स ओके। हेलो गाइस, मीट कुश, ये मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता है। कुश, हाय। हाय सर। सो तुम ही हो जिसने कॉलेज में फायर अलार्म सेट किया था? रिस्की हो सकता था, बट नो वरीज। वैसे जू ने मुझे तुम्हारी दूसरी प्रैंक्स के बारे में बताया था। सो यू मस्ट बी वन ब्राइट एंड नॉटी चैप। नहीं सर, ब्राइट कहा? ऑफ कोर्स ब्राइट, किसी डफर बच्चे की बस की बात नहीं इस लेवल की प्रैंक्स प्लान करना। मुझे याद है वो जब तुमने स्टाफ रूम में सड़े हुए टमाटर रखे थे, मजा ही आ गया था। और वो जो दूसरी वाली जिसमें तुम, आपके फिल्म का क्लाइमैक्स मिस हो रहा है। ओह माय गॉड, मैं तो भूल ही गया था। मैं चलता हूँ, सी यू लेटर गाइस। अच्छा सुनो, तब तक तुम दोनों मिलकर कोई अच्छी सी प्रैंक्स प्लान करो। सी यू गाइस। सॉरी, हॉप्स कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हैं। एक्चुअली ना, उनको भी ये सब प्रैंक्स और फन मस्ती बहुत पसंद है, इसलिए शेयर योर प्रैंक विद हिम। दैट्स ओके। वैसे ज़ू पेट नेम
Nice name. Sir, pops mujhe Zoo bulate hain. You know, Arzu ka short. Oh, okay. वैसे I must tell you, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं. You know, काश कॉलेज में हमारे टीचर ऐसे होते तो मैं तो बच जाता. उस दिन भी तो वो टीचर्स से तुम अभी के लिए तो बच गया हूँ, but मैं फेल हो जाऊँगा. बस then I'll go. कॉलेज से निकाल देंगे मुझे. Unless तुम एक prank play करो. Prank? देखो, कॉलेज में सबको लगता है कि तुम फेल हो जाओगे, लेकिन तुम सबको पास होके दिखाओ. ये prank इतना easy नहीं होगा. Easy हो सकता है, but definitely तुम्हें extra effort डालना पड़ेगा. Teachers भी extra effort डालेंगे मुझे fail करने में. अगर seriously try करोगे तो मुझे लगता है हो जाएगा. So, will you help me in this? If you want me to, sure. और वैसे भी अगर तुम कॉलेज में नहीं रहोगे तो कितना बोरिंग हो जाएगा कॉलेज. नो मोर प्रैंक्स, नो मोर फन. एग्जैक्टली, कोई मेरी बात समझता ही नहीं. सो कल से कुछ. आई नो यू नॉट स्टूपिड, इन फैक्ट तुम इंटेलिजेंट हो, चीज़ें जल्दी सीख जाते हो तुम. देन व्हाई डोंट यू पे अटेंशन? वेल, आई यूज्ड टू पे अटेंशन, पर फिर प्रोफेसर्स को और क्लास में सबको लगता था कि मैं स्टूपिड हूँ. सो वैसे भी कितने मार्क्स आए, इन सब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. आई जस्ट नीड अ डिग्री, आफ्टर ऑल पापा का बिजनेस ही ज्वाइन करना है. तुम अपने पापा से बहुत प्यार करती हो ना? या यू आर लकी, क्योंकि तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं. सबके राज जैसे ही होते हैं. सबके नहीं होते. अब मुझे ही देख लो, मतलब मेरे डैड को ये भी नहीं पता कि मुझे कॉमर्स नहीं करना. अरे बस भी करो यार, तो लेट्स टेक अ ब्रेक. बोर्ड गेम. आरजू चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, उसे मेरे साथ टाइम स्पेंड करना कंपलसरी है. यस. चलो. एंड यू आर मोर देन वेलकम टू जॉइन आवर फैमिली. श्योर.
कंग्रेचुलेशन यंग मैन, तुम सिर्फ प्रैंक्स की रॉकस्टार नहीं हो, गेम के भी चैंपियन हो. वेरी वेल प्लेड. चलो यू गाइस कंटिन्यू, आई विल कैच यू इन अ व्हाइल. सी यू. बाय. कुछ पढ़ाई की चिंता मत करना, आई एम हियर. तो फिर कल वापस? क्लासेस के बाद मिले कैंटीन में और फिर हम घर वापस साथ में चलेंगे. व्हाट्स इट? अरे यार, मिकी और कृति ने अगर मुझे इसके साथ कॉलेज में देख लिया तो वो क्या सोचेंगे? नो नो. व्हाई? मतलब अभी सबको पता चल जाए कि हम साथ में पढ़ाई कर रहे हैं. लाइक सी, एवरीबडी इज होपिंग कि मैं फेल हो जाऊंगा या खराब परफॉर्म करूंगा, पर जब रिजल्ट्स डिक्लेयर होंगे सब सरप्राइज हो जाएंगे. तो इसलिए तब तक. ओ, तो तुम चाहते हो कि ये बात हम दोनों के बीच में रहे, अ सीक्रेट? यस. फाइन, लेकिन तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी. हाँ ओके, पर अगर मैं टॉप 10 में आ गया तो मेरी तरफ से तुम्हें एक जबरदस्त ट्रीट. पक्का? पक्का. ओके, आई कैच यू लेटर. सी यू. सी यू. कुछ पढ़ाई की चिंता मत करना, आई एम हियर. कुश, कुश, व्हाट हैपेंड? तेरा ध्यान कहाँ है? यू नो समटाइम्स यू रियली एक्ट वियर्ड. आई मीन हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं एंड इधर उधर. व्हाट्स रॉन्ग? इधर उधर? आर यू मैड? मेरा ध्यान तो सिर्फ तुम पर है. आई एम द कूलेस्ट, यू नो. कुश यार, ये एक्टिंग करना बंद कर. तू दूसरों से छुपा सकता है, हमसे नहीं. और आजकल हमें कितना अवॉइड कर रहे हैं. अरे तुम लोग पागल हो क्या? मतलब यार, एक दिन तुम लोग के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया तो तुम लोग ऐसा करोगे? यही दोस्ती तुम लोगों की? टाइम वेस्टिंग के बीच में नो इंटरप्शंस. यस. कहीं तेरी कोई नई दोस्त वोस्त तो नहीं हो गई? अच्छा, तो ये है इसकी प्रॉब्लम. अब मैं समझा. प्रोफेसर आटीना तो यही सोच रहा है कि वो तुझे फेल कर देगा. वैसे भी हमारे इस कॉलेज में अपना सबसे कूल ग्रुप है, ये तो हर कोई जानता है. हाँ यार, प्रोफेसर राठी, आई टेल यू, आई होप मैं पास हो जाऊं. तो चिल मार यार, प्रोफेसर राठी को हम देख लेंगे. डोंट वरी, हम है ना तेरे साथ. ओ गॉड, कहीं आंसू यहाँ तो नहीं आ रहे? गाइस, हम लोग ना चलते हैं, ड्राइव पर चलते हैं. बहुत अच्छा. चलो गाइस, सब करवा दूंगा मैं. ओके, इट्स ऑन मी, द राइड इज ऑन मी. पहले पेट्रोल ना. हाँ, सब. अरे चल. आ जाओ. चाय? या ऑफ कोर्स. भैया दो चाय देना. मुझे बारिश बहुत अच्छी लगती है. सब कुछ कितना ब्यूटीफुल लगता है. यस, इट डज. सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है इस वेदर के साथ. आई नीड वाइपर्स फॉर माय ग्लासेस. अब वाइप करूं या चाय पीऊं? चाय बुरा मान जाएगी. पहले चाय पीते हैं, बाकी सब बाद में. राइट? एक बात कहूँ अर्जु? यू नो, आई फील कि तुम ना, तुम कॉलेज की सबसे पॉपुलर गर्ल बन सकती हो. देखो, तुम टॉपर तो हो ही और खूबसूरत भी हो.
यू जस्ट नीड अ लिटिल लिटिल मेकओवर, थोड़ा कूल एंड हिप. नो थैंक्स कुश, आई डोंट थिंक दैट इज हु आई एम. मुझे ये सब पसंद नहीं है. आई मीन क्या बुराई है मेरे कपड़ों में? इतने कूल नहीं है लेकिन दे आर कंफर्टेबल. दैट्स व्हाई आई वेयर देम. देखो तुम्हारे बहुत सारे दोस्त बन जाएंगे. लाइक लुक एट मी, दे लव मी इन कॉलेज, दे लाइक माय प्रैंक्स, दे वांट टू हैंग आउट विद मी. और यू नो कॉलेज लाइफ इज ऑल अबाउट दिस. आई डोंट थिंक सो. कॉलेज लाइफ इज अबाउट मेकिंग फ्रेंड्स. तो मैं क्या कुछ नया बोल रहा हूँ? मैं भी तो वही बोल रहा हूँ. मेरे प्रैंक्स की वजह से मैं कूल हूँ और मेरे इतने सारे दोस्त हैं. तो तुम्हें लगता है दोस्त नॉबी किड्स जिनके साथ तुम हैंग आउट करते हो वो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं? वो सब फ्रेंड्स तुम्हारा हर प्रैंक एंजॉय करते हैं, मजे लेते हैं, लेकिन मैंने आज तक किसी को नहीं देखा तुम्हारे किसी भी प्रैंक का ब्लेम शेयर करते हुए. और आज जब सारे टीचर्स तुम्हारे फेल होने का वेट कर रहे हैं, आई डोंट सी अ सिंगल फ्रेंड जो तुम्हारी हेल्प करने आया है. तो वो दोस्त कैसे हुए? आई डोंट मीन टू हर्ट यू, बट मुझे नहीं लगता कि ये दोस्ती है. इसलिए मैं जैसी हूँ मैं ठीक हूँ, उनके साथ हूँ जो मेरे लिए है. उन लोगों के लिए क्यों बदलूं जो जरूरत में मेरे साथ होंगे ही नहीं? ओके अच्छा चलो, तो अकॉर्डिंग टू योर डेफिनेशन ऑफ फ्रेंडशिप, बताओ कोई है मेरा रियल फ्रेंड? मी. कल रिजल्ट्स का वेट भी खत्म हो जाएगा. आई नो, बट आई एम श्योर सब ठीक हो जाएगा. तुमने इतना हार्ड वर्क किया है. बिसाइड्स दे आर जस्ट एग्जाम्स. तुम्हारे सारे एग्जाम्स ठीक हुए थे राइट? आरजू मेरी ये बात सुनकर तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा, पर लाइफ में पहली बार रिजल्ट्स को लेकर मैं नर्वस नहीं हूँ. एंड दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू. एनीवे, मुझे निकलना चाहिए.
Oh my god, dude, you are a star. Such man. It's unbelievable, yeah. तुझे तो सलूट बनता है, boss. What happened? तू यहाँ what happened करती रह जाएगी. वहाँ कुछ रिजल्ट्स में कमाल कर दिया है. Sixth rank. मेरे तो सपने में भी नहीं आते sixth rank. Oh my god, my baby, I'm so proud of you. ये तो मुझे पहले से ही पता था. तू साला fraud. तुझे कुछ के रिजल्ट्स के बारे में पहले से पता था ना? और इनमें आ जाता है तू क्रेडिट लेने के लिए. मेरे कहने का मतलब ये कि मुझे ये पता था कि वो अपना प्रोफेसर राठी से ना कुछ भी नहीं होने वाला. Thank you so much. Congratulations, yeah. Thank you so much. Thank you. Hey, congratulations. मुझे पता था, you're gonna surprise everybody. I'm so happy for you. और as promised, रात में 8 बजे, my treat. Oh my God, कुश, ये बहन जी तुझे ना शायद date sheet पे ले जाना चाहती. लेकिन यार तूने हमें बताया नहीं. तू एग्जाम में अच्छा रैंक लाने के साथ साथ इस बहन जी को भी कंसीडर करने लग गया, वो भी डेट के लिए. यार हम तेरे दोस्त हैं, हमें तो बताना चाहिए ना. मैं तुम्हारे साथ. तुम्हारे साथ शक्ल देखिए. आप देखिए. आप देखिए. आप देखिए. अर्जु मेरी बात सुनो. अर्जु, अर्जु, I know we decided, okay, कि हम डिनर पे चलेंगे, पर तुम ऐसे सीधा आकर मुझसे डिनर के लिए नहीं पूछ सकती. Why? Why can't I do that? हमने डिसाइड किया था कि हम एग्जाम्स के बाद इसे सीक्रेट नहीं रखेंगे, पर आई सपोज तुम चाहते ही हो कि हम सीक्रेट फ्रेंड्स फॉरएवर रहे. Is that so? अर्जु, you are not understanding my point. कुश, या तो मैं तुम्हारी दोस्त हूँ या नहीं हूँ. लिसन, मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है, ओके? ये मेरी गलती है, बट हर एक चीज ब्लैक या व्हाइट नहीं हो सकती. तुम अलग हो, मैं अलग हूँ, हम दो अलग पर्सनालिटीज हैं, और मेरा फ्रेंड सर्कल तुमसे बहुत अलग है. तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी ट्रू फ्रेंड हूँ? गेस व्हाट, अपने ट्रू फ्रेंड्स की लिस्ट में से मेरा नाम हटा दो. मुझे लगा था कि तुम सब लोगों से अलग हो, but I was so wrong. तुम्हें मेरे साथ कॉलेज में घूमने में शर्म आती है, या फिर तुम्हें अपने फ्रेंड्स के सामने मेरे लिए स्टैंड लेने में शर्म आती है ना? I can't be friends with you. This can't happen. पढ़ाई की चिंता मत करो. I'm here.
तो तुम चाहते हो कि ये बात हम दोनों के बीच में रहे, अ सीक्रेट। This one's nice. Oh my god, look! Miss Behenji is here. Akash, मैं क्या सोच रही थी ना, अब जबकि तुम्हारा sixth rank आ गया है, you know, so happy. If you don't mind, can you go out for a date with me? Of course. क्यों नहीं? आइडिया तो वैसे बहुत अच्छा है, पर मैं इन बहन जी जैसी लड़कियों के साथ डेट कर नहीं सकता, मेरा रेपुटेशन खराब हो जाएगा। अरे आप कब आई? मिक्की पैर पैर हटा। सो बैड, सो सॉरी, माफी मांग, माफी मांग। आइए आइए ना, एक मिनट, एक मिनट भाई, आपका चश्मा ना गंदा है, थोड़ा कचरा है। आकाश Don't be so rude, yeah. तुम्हें क्या लगता है? खुश के पास जाओगी तो हमारे ग्रुप में एंट्री मिल जाएगी, हमारे जैसा बनोगी तुम? Don't even think about it. ओ बहन जी, तुम चाहे कितना भी ट्राई कर लो ना, खुश तुम्हें कभी घास नहीं डालते। You know why? क्योंकि तुम हमारे जैसी हो नहीं और कभी बन भी नहीं सकती। इस लड़की की वजह से तू मुझसे झगड़ा करेगा? पागल है? वो होती कौन है हाँ? उस लड़की की वजह से तू मुझ पे हाथ उठा रहा है? Guys, stop right here, please. Kush, back off. What the hell is wrong with you, Kush? तुम इस भेंजी के लिए झगड़ रहे हो? You're acting as if you're in love with her, yeah? God. Really? Kush, you're really in love with her? Please tell me what's going on, Kush. Will you answer me? Are you in love with this girl? Yes, I'm in love with her. Yes. और तुम लोग जिसे जिसे बहन जी कहते हो ना, ये बहन जी को ना तुम सबसे ज्यादा भरोसा है अपने आप पर। शायद शायद तुम लोगों को मिलाकर भी अपने आप पर नहीं होगा। कॉलेज में पॉपुलर होने के लिए मेकअप और छोटे कपड़े नहीं पहनती वो, दिल नहीं दुखाती किसी का। And besides that, भरोसा करती है मुझ पर। And you know what? She is my true friend. तुम लोगों की तरह so called friends नहीं है मेरी वो। So आज के बाद dare not say anything to her.
एम सॉरी, गलती मेरी थी, मैंने हमेशा तुम्हें बदलना चाहा, अपने दोस्तों की तरह बनाना चाहा, पर कभी ये नहीं देखा कि तुम अलग हो, और अलग होने के बावजूद भी तुम खूबसूरत हो। तुम ये कहती थी ना कि मैं अपने सो कॉल फ्रेंड्स के सामने स्टैंड नहीं ले सकता तुम्हारे लिए। हियर आई एम टेकिंग अ स्टैंड सबके सामने। आई एम नॉट अशेम्ड टू बी विथ यू। I genuinely love you, Arsu. I love you too. यू नो खुश का अपनी जिंदगी जीने का एक अलग ही अंदाज था। यू नो बेफिक्र बेपरवाह, किसी भी चीज की टेंशन नहीं, बस अपने दोस्तों के साथ अपनी जिंदगी को खुल के जीना। लेकिन फिर भी इस जिंदगी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी तो जरूर थी, जो कमी मेरे हिसाब से आरजू की उसकी जिंदगी में आने के बाद पूरी हुई। सही मायने में आरजू की उसकी जिंदगी में आने के बाद उसने बेपरवाह जिंदगी का सही मतलब समझा। और दूसरी तरफ आरजू की जिंदगी का जो खालीपन था वो भी कहीं ना कहीं खुश ने पूरा कर दिया। यू नो देयर इज अ वेरी वेरी फेमस सेइंग कि प्यार इंसान को बदल देता है। यू नो गिव लव अ चांस, डोंट बी अफ्रेड। हो सकता है कि आपके इश्क में भी सियापे हों, लेकिन बिलीव एट द एंड इट्स टोटली गोना बी वर्थ इट। मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल लव स्टोरी ऑन सियापा इश्क का यह है आशिकी सीजन 2। तब तक के लिए, so long my fellow little friend, keep falling in love.